मैंने आप लोगों को इस बात की जानकारी दी है कि 2020 के ईद में आ रहे हैं वीर सूर्यवंशी, यानी कि सूर्यवंशी फिल्म आ रही है अक्षय कुमार साहब की। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन और साथ ही साथ रोहित शेट्टी भी, जो कि फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। अब ऐसे में यार ये क्लैश तो नहीं होने वाला है कहीं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि ईद का जो माहौल होता है वो भाईजान सलमान खान का होता है। आप ट्यूबलाइट ले लीजिए, रेस 3 ले लीजिए, भारत ले लीजिए, भाई ने हर साल ईद के मौके पर हमें तोहफा दिया है, तो ये क्लैश तो नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो भाईजान भारत फिल्म के बाद एक और फिल्म कर रहे हैं दबंग 3, जिसकी शूटिंग लगभग शुरू होने वाली है मार्च मिड से। उसके बाद भाई जो है संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताई थी बात, और साथ ही साथ वेटरन के हिंदी रीमेक की भी बात चल रही है। तो इन दोनों फिल्मों में से, यानी कि दबंग 3, वेटरन या फिर संजय लीला भंसाली सर की फिल्म जो कि अनटाइटल है, इन तीनों में से कौन सी फिल्म क्लैश करेगी अक्षय कुमार साहब के साथ, ये तो भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी मैं आपको कह दूं दोस्तों कि अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, आफ्टर वेरी वेरी बिग फिल्म्स जैसे रईस और काबिल के बीच में हुआ था या फिर कोई और फिल्म। लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। भाई लेकर आएंगे अपनी फिल्म 2020 ईद में या नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस क्लैश के बारे में, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज पल पल की अपडेट करता रहूंगा आपको।